तो हेलो गाइस, कैसे आप लोग? तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं इस वाले वॉच के बारे में। तो ये वॉच बहुत लोगों को पता भी होगा, जो मेरे रेगुलर सब्सक्राइबर उन्हें इसके बारे में पता होगा, और जो भाई नहीं है उन्हें मैं बता दूं, ये है भाई फायरबोल्ट का निंजा प्रो मैक्स। तो ये वॉच एक्चुअली मैंने बहुत पहले लिया था, आई थिंक 1 ईयर होने वाला है। तो 1 ईयर ये मेरा दूसरा वॉच है, सेम वॉच जो कि एक मैंने वाटर टेस्ट में वीडियो मैंने बनाया, आप लोग जाके देख सकते हो। तो एक मैंने वाटर टेस्ट में खराब कर दिया था, तो उसके बाद ये मैंने दूसरा वॉच मंगाया था क्योंकि वारंटी में था, तो मैंने वारंटी क्लेम किया और मुझे दूसरा वॉच मिला। बट भाई अब ये भी खराब हो चुका है, तो देख सकते हो डेड है ये, तो ये भी खराब हो चुका है। इसका रीज़न ये है कि यहाँ पे मैंने इसे लगा दिया था फास्ट चार्जिंग पे, तो फास्ट चार्जर से ऐसे मैंने चार्ज किया और ये भाई डेड हो चुका क्योंकि ये भाई अब ऑन नहीं हो रहा है। तो बहुत सारा ग्लिच आ गया है इसका, जो ये पीछे में लाइट रहता है ये भी अपने आप जलने लगता है, सेंसर वर्क करने लगता है अपने आप। तो कभी कभी अब भाई धीरे धीरे वो भी ना, मतलब जो काम कर रहा था वो भी बंद हो गया, आप तो भाई ऑन भी नहीं होता है, ना ही कुछ होता है, ना सेंसर वर्क करता है, ना कुछ। उसका रीज़न ये था कि मैंने इसे लगा था जो मेरा कुत्ता फास्ट चार्जिंग पर लगा दिया था। तो यहाँ पे आप मैं बता दूँ, बहुत सारे बंदे बोले कि फास्ट चार्जर से तो हम भी चार्ज करते हैं, क्योंकि हम हर एक डिवाइस में फ़ोन वगैरह में आप देखोगे तो फास्ट चार्जर ही आपको मिलता है। तो नॉर्मल बंदे तो भाई उसी से चार्ज करेंगे, और जिनके पास भाई पहले का जो फ़ोन होगा उस समय भाई मिलता था, मतलब कि एक नॉर्मल चार्जर मिलता था जो कि फास्ट चार्जिंग सपोर्ट नहीं करता था उसमें, तो वो मैं आपको दिखाता हूँ कुछ ऐसा चार्जर था। वो ये रियलमी का है, तो ये आप देख सकते हो, तो ये फास्ट चार्जर नहीं है, ये नॉर्मल फ़ोन चार्ज करने के लिए है। तो नॉर्मल फ़ोन इससे चार्ज होता है, इसमें फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट कोई भी नहीं है। और मैं फास्ट चार्जर में दिखा दूँ आपको कैसा होता है, पता ही होगा बट मैं दिखा देता हूँ। तो अब देखो यहाँ पे दो फास्ट चार्जर मेरे पास, तो यहाँ पे देख सकते हो, अब ये 30 वाट का, ये 33 वाट का। अब यहाँ पे मैंने गलती क्या किया ये देख लो आप, मैं शुरू से ही भाई, एक तो जब मेरे पास फास्ट चार्जर नहीं था तो मैं इससे चार्ज करता था, ये वाला नॉर्मल चार्जर से, इससे आराम से चार्ज करता था भाई, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद मैं करने लगा इससे, मैंने काफ़ी मतलब लगभग 6 to 7 months मैंने इससे चार्ज किए। तो इधर कुछ दिन पहले भाई मैंने लगा दिया इस पर, तो ये 33 वाट का और ये 30 वाट का। 30 वाट तक भाई ये सपोर्ट करता था और आराम से चार्ज होता था, कोई दिक्कत नहीं था। तो 30 वाट में आज तक भी कुछ नहीं हुआ, मेरा आवाज़ एकदम मस्त चल रहा था, अच्छे से चार्ज भी हो रहा था, कोई दिक्कत नहीं आ रहा था। बट जब मैंने इसमें लगाया 33 वाट में, और भाई डेड हो गया मेरा वॉच, उसके बाद ना ही काम करने लगा, ना ही चार्ज होने लगा, तो उसके लिए वर्क नहीं कर रहा ये वॉच। अब मैंने फिर से वारंटी क्लेम किया है, तो देखो अब क्या, अब देखते हैं भाई मिलता या नहीं मिलता, क्योंकि ये तो मेरा सेकेंड वॉच पहले से है ही, और मैंने एक बार पहले मतलब चेंज कर ही लिया, तीसरा वॉच तो भाई मुझे लगता है वो वारंटी के अंदर देंगे, तो शायद आ जाए तो अच्छा है, नहीं आए तो वो भी चलेगा भाई यार, मैंने 1 साल लगभग यूज़ कर लिया इसे, तो अब देखा जाएगा। तो यही भाई मैं आपको बताने वाला था, आप लोग ऐसी गलती मत करना है। 30 वाट तक अगर आपका चार्जर है फास्ट चार्जर तो आप लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि मैंने भी टेस्ट कर रखा है। अब ये भी बात हो सकता है कि फायरबोल्ट के साथ ऐसा हुआ हो, या और सब वॉच में आपको मिलता है फास्ट चार्जिंग वगैरह 33 वाट तक का भी। तो मैंने फायरबोल्ट का मैं बात कर रहा हूँ, तो फायरबोल्ट तक भाई 33 वाट सपोर्ट नहीं करता, 30 वाट तक सपोर्ट करता है, जो मैंने चार्ज किया है। तो मैं आपको बताऊंगा मैं अपना एक्सपीरियंस, तो देखो यहाँ पे मेरा आवाज़ तो जा ही चुका है, मैं नहीं चाहता था कि आपका भी वॉच ऐसे कोई भी जाए तो खराब हो जाए मतलब, तो इसलिए मैं आपके लिए वीडियो बना दिया कि आपका वॉच नहीं जाए इस वक्त चार्जर की वजह से, फास्ट चार्जिंग की वजह से। तो आप लोग 30 वाट तक देखना लगा सकते हो तो लगाना, अगर आपके पास लैपटॉप है तो उससे आप चार्ज कर सकते हो, या फिर पावर बैंक वगैरह है तो उससे चार्ज करो, ना कि ये फास्ट चार्जिंग वगैरह से चार्ज करना, नहीं तो भाई वॉच चल जाएगा आपका, तुरंत डेड हो जाएगा, या फिर आपका बैटरी खराब हो जाएगा, या फिर ऐसे डेड हो जाएगा, कुछ भी हो सकता है। तो गाइस अब आप लोग इस बात का ध्यान रखना कि ज़्यादा फास्ट चार्जिंग पे मत लगा देना, ज़्यादा वाट की फास्ट चार्जिंग पे। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना, तो मिलते हैं ऐसे और वीडियो के साथ, बाय।